हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत कुमार हियर टू डिस्कस अबाउट द बेसिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक। तो जिसमें हमारा इलेक्ट्रिकल का पूरा पोर्शन मेरा ख़त्म हो चुका है। बेसिक साइंस में आपको यूनिट एंड डायमेंशन, मेजरमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क पावर, एनर्जी, टेम्परेचर, थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स, और उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मेरा ख़त्म हो चुका है। और उधर लॉजिक गेट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टार्ट हो चुका है। लॉजिक गेट के मैंने 4 लेक्चर पढ़ा दिए हैं। उसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं जो रिलेटेड हैं आपको सारे ट्रेड से, उसको भी मैंने डाल रखा है, टूल वगैरह जो है। तो आप जाएं प्लेलिस्ट में और वो सब देख लें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको देखिएगा यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी में पिछले लेक्चर में बात की जाए तो पिछले लेक्चर में वो सेल एंड बैटरी में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाले मैंने प्लेलिस्ट में ही डाला है, लेक्चर नंबर 11 वगैरह डाला है, तो आप उसको देख सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि अभी जो भी समझना है, इससे पहले मैं सभी एक्सरसाइज को कराता हूँ, उसके बाद आपको उसके एमसीक्यू कराता हूँ। हर चैप्टर में कम से कम 150 से 200 एमसीक्यूज हैं जिसको आपको सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि अगर स्पीड बनाना है तो सॉल्व करना पड़ेगा। अगर स्पीड नहीं बनाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम आपको दिसंबर से पहले तो होने वाला नहीं है, जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। तो जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है तो हमको मिलेगा अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो नवंबर दिसंबर 2 महीना भी मिल रहा है, तो 2 महीने में अच्छा खासा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं जी। हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी प्राइमरी सेल में हमने क्या पढ़ा था? प्राइमरी सेल में हमने पढ़ा था ड्राई सेल पढ़ा था, मर्करी सेल पढ़ा था, वोल्टाइक सेल पढ़ा था, डेनियल सेल पढ़ा था। उसके बाद हम सेकेंडरी सेल में आते हैं। तो सेकेंडरी सेल में हम क्या पढ़ेंगे जी? सेकेंडरी सेल में पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेल के बारे में कुछ देख लेते हैं। सेकेंडरी सेल को मैंने बताया था कि सेकेंडरी सेल ऐसा सेल होता है जिसमें क्या किया जा सकता है, जिसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं जी, चार्ज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे बैटरी हैं जिसको क्या किया जाता है, सेल को चार्ज किया जा सकता है। जैसे रेलवे में जो बैटरी होता है क्या है जी, डेली डिस्चार्ज होता है, डेली उसको चार्ज किया जाता है। कुछ ऐसे भी बैटरी है जैसे दीवार घड़ी की बैटरी, आपको क्या है, एक बार बैटरी हो जाता है उसके बाद उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो क्या है, प्राइमरी में आएगा। तो सेकेंडरी में आने का कंसेप्ट क्या है, जब केमिकल रिएक्शन बैटरी के अंदर जो भी हो रहा है अगर क्या हो, रिवर्सिबल हो, यानी दोनों डायरेक्शन में होगा, तो क्या होगा, बैटरी चार्ज होगी। अगर रिवर्सिबल नहीं है, अगर मतलब अगर नहीं, दोनों डायरेक्शन में नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, इरिवर्सिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें बैटरी दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरा प्राइमरी सेल के अंदर आ जाएगा। तो चलिए हम सेकेंडरी सेल के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सेकेंडरी सेल इससे पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है। बोल रहा है कि विद्युत से देकर क्या करना पड़ेगा, इसको चार्ज करना पड़ेगा। यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, क्या करेगा, तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये ईएमएफ जनरेट करेगा, इसे पुनरावेशित किया जा सकता है। इसीलिए तो पुनरावेशित किया जा सकता है, इसीलिए तो फिर से करंट जनरेट कर रहा है, यही इसका तो मेन पर्पस है। इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है। मैंने प्राइमरी सेल में जो भी बात किया था उसमें क्या था, सबका वोल्टेज क्या होता था, 1.5, 1.08, 1.5 ऐसा ही होता था सबका था जी, बहुत ही लो वोल्टेज जनरेट कर रहा था। और सिल्वर ऑक्साइड सबसे ज़्यादा जो जनरेट कर रहा था 1.5 वोल्ट कर रहा था। तो इससे समझा जा सकता है कि वहाँ पे क्या था, जो विद्युत वाहक बल यानी जो वोल्टेज था कम था, यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है जी, ज़्यादा होता है। इसमें रासायनिक क्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है, तभी तो ये क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय मतलब क्या है, रिवर्सिबल है, दोनों डायरेक्शन में जाएगा। पहले इधर से चार्ज होगा तो एक रिएक्शन हो जाएगा, फिर से उधर डिस्चार्ज होगा तो दूसरा रिएक्शन होने लगेगा, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि बार बार चार्ज किया जा सकता है और उसका यूज किया जा सकता है। इससे संचित भी इसे संचित सेल इसे कहा जाता है, क्योंकि इसको हम स्टोर कर रहे हैं, इस बैटरी को क्या किया जाए, हम इस एनर्जी को स्टोर किए फिर से उसका रीयूज कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, संचित हो रहा है, यानी उसको क्या कर रहे हैं, जमा कर पा रहे हैं, इसलिए क्या है, संचित सेल भी है। तो सेकेंडरी सेल मेरा क्या है, संचित सेल है, लेकिन प्राइमरी सेल क्या है जी, मेरा सेकेंड प्राइमरी सेल जो है संचित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका क्या है, उसको प्राइमरी में रखे हैं जी। अब बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी में कौन कौन से सेल होते हैं, तो सेकेंडरी में लेड एसिड होता है जी, लेड एसिड होता है, और क्या होता है, एडिशनल सेल होता है, एडिशन सेल, और निकल आयरन उसको भी कहा जाता है, निकल आयरन सेल भी कहा जाता है उसी को, तो हम उसको बारे में पढ़ने हैं। या निकल कैडमियम सेल होता है, ये सब किस में होते हैं, ये सेकेंडरी में होते हैं। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लेड एसिड सेल। लेड मनी सीसा वाला लेड है जी, लीड नहीं है, नेता वाला लीड नहीं है, लेड मनी एसिड, लेड मनी सीसा वाला है। तो लेड एसिड सेल पढ़ेंगे। देखिए इसमें इसका क्या है जी, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें देखिए लेड एसिड में क्या दिया जी, स्ट्रक्चर जी सेकेंडरी है, क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। आपने अगर देखा हो तो ट्रक वगैरह में, रेलवे के डिपार्टमेंट में भी ये सेल यूज होता है। अगर बात की जाए तो घरेलू यूज में जो भी आपको इन्वर्टर वगैरह होते हैं उस क्या करते हैं, इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है, वहीं ये सेल है जी। तो ये लेड एसिड ही होता है। लेड एसिड में क्या क्या है दिखा रखा है, देखिए ये बोल रहा है कि पोस्ट होता है, दो होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ठीक है जी, तो दो होते हैं। इसमें बोल रहा है कि निगेटिव क्या होता है जी, जस्ते का ही बना है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला ये पार्ट है। इसमें बोला है पॉजिटिव प्लेट की होती है, एक प्लेट बना है,
सेपरेटर होता है इस दोनों के बीच, तो ये मेरा इंटरनल है, उतना हमको ज़्यादा नहीं समझना। हमको क्या समझना है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानना है, प्लेट के बारे में जानना है, कौन क्या है जी, ठीक है ना। तो इसमें प्रमुख भाग कौन कौन से थे, तो एक पॉजिटिव प्लेट होगा, एक निगेटिव प्लेट होगा। निगेटिव प्लेट कौन सा होता है जी, देखिए पॉजिटिव प्लेट पर पड़ता है, तो लेड ऑक्साइड PbO2 का बना होता है, यह कैथोड होता है। जब PbO2 का बनाएगा तो कैथोड हो जाएगा, पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह भूरे कलर का चॉकलेटी रंग का हो जाता है। ऋण बात की जाए तो इस स्पंजी शीशा Pb का बना होता है, किसका बना होता है जी, देखिए अब लेड ऑक्साइड में, इससे पहले मैं जो भी बताया था कि जो भी एनोड होगा यानी निगेटिव प्लेट होगा वो क्या होगा जी, जिंक होगा। लेकिन यहाँ पे लेड ऑक्साइड में देखिए क्या होता है जी, Pb मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ये मेरा निगेटिव प्लेट हो जाएगा, एनोड हो जाएगा जी। यहाँ पूर्ण चार्ज की अवस्था में ही असलेटिक रंग का होता है, ठीक है, इससे कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखिए कि पॉजिटिव PbO2 होता है जी, लेड ऑक्साइड का बना होता है कैथोड, और लेड का किसे बना होता है, जिंक, और तो आपको ये निगेटिव बना रहता है यानी एनोड बना रहता है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो हमको सभी टाइप के सेल में हमको इलेक्ट्रोलाइट तो जरूर याद रखना है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए तो कौन कौन सा है जी, तो H2SO4 है। इसमें क्या है जी, H2SO4 क्या है जी, 3:1 यानी जल और अम्ल क्या होता है, 3:1 के रेशियो में क्या होता है, मिला रहता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था अपेक्षिक ग्रेविटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइट को अगर बताना है उसकी अवस्था क्या है तो उसको किस में बताएंगे जी, स्पेसिफिक घनत्व यानी अपेक्षिक घनत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में बताएंगे जी, या स्पेसिफिक इसको एथी भी बोला जाता है, डेंसिटी भी बोला जाता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता है, ठीक है। बोला इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, इलेक्ट्रोलाइट को अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी को पूर्ण चार्ज होने में इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 से होती है जी। बोल रहा है कि क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, किसमें, चार्जिंग के समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है जी, इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो ही तो विद्युत का सुचालक रहते हुए तो उससे जाएगा। बात करते हैं सेपरेटर की, सेपरेटर कौन कौन सा यूज किया जाता है जी, सेपरेटर हमने यूज किया था, आपको एक बार अगर देखना है तो यहाँ देख सकते हैं कि फिगर में क्या है जी, यहाँ पे सेपरेटर दिखा रखा है, क्या है जी, ये सेपरेटर है, ठीक है। इस सेपरेटर को हम क्या करते हैं जी, क्या करते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, कंटेनर में होता है, सेपरेटर होता है। तो धन और ऋण प्लेटों को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए क्या होता है, सेपरेटर का यूज किया जाता है। जो क्या होगा, सेपरेटर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, करंट नहीं फ्लो करेगा, तो इसके बीच एक अचालक रखा जाता है, यानी क्या हो जाएगा जी, क्या जाएगा, अचालक यानी कुचालक रखा जाएगा, ये कुचालक इंसुलेटर रखा जाएगा, इसे क्या होता है, सेपरेटर बोलते हैं। कंटेनर, कंटेनर का मतलब तो क्या हो जी, कंटेनर हार्ड ग्लास होता है, हार्ड रबर का भी होता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेंट कैंप, वेंट कैप वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। आगे बढ़ते हैं एडिशनल सेल और इसको बोला जाता है निकेल आयरन सेल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है जी, एडिशन सेल, निकेल आयरन सेल भी बोला जाता है। तो एडिशन सेल और निकेल आयरन सेल में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये मेरा लग क्या है जी, सेकेंड लास्ट सेल है, इसके बारे में एक और लास्ट निकेल कैडमियम सेल का डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एडिशन सेल और निकेल आयरन सेल, तो देखिए निकेल आयरन में इसको निफे भी कोई बोलता है, आयरन को एफ ही लिखते हैं इसलिए निफे भी बोलता है, कोई एडिशन सेल भी बोलता है। यह एक क्षारीय सेल है, इसमें एक स्टील के पात्र में निकेल आलेपित स्टील का बेलनाकार प्लेट होती है, यह प्लेटों का कार्य करती है। इसमें कुछ पॉकेट बना करके होते हैं जिसमें आयरन हाइड्रेट FeO2 चूर्ण डाला जाता है। एनोड प्लेट कार्य करती है, एनोड पे काम करने के लिए क्या होता है जी, FeO2 होता है। बात कीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है जी, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है जी, इसमें एडिशन सेल में, और लेड एसिड में क्या था जी, H2SO4 था। तो ये सब हमको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में याद रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से क्वेश्चन ही बनने के चांसेस है। तो यहाँ पे एक आप फिगर देख सकते हैं कि हमारा क्या है जी, एडिशन सेल का है जी, ठीक है ना, एडिशन सेल निकेल आयरन सेल है जी। बात करते हैं निकेल कैडमियम, अब आगे चलते हैं निकेल कैडमियम, निकेल कैडमियम में क्या है जी, देखिए अब इसमें सेकेंडरी था कि हाई वोल्टेज जनरेट करता है, लेकिन ये क्या है जी, ये बहुत लो हाई, सॉरी ये आपको है एडिशन सेल में कि विद्युत वाहक बल क्या है जी, इसका कम है। तो यहाँ से देख सकते सॉरी तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जी EMF क्या है जी, वोल्ट 1.2 से 1.5 वोल्ट तक है, तो ये क्या है, सेकेंडरी है, होने के बावजूद भी क्या है, इसका वोल्टेज बहुत लो है। लेकिन बात की जाए कैडमियम निकल का सेल का, तो कैडमियम निकल सेल में नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए जी, बोला इसकी संरचना भी एडिशन सेल के समान ही होती है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि ऋण प्लेट के रूप में कैडमियम धातु प्रयोग होता है। उसमें ऋण प्लेट में क्या हो रहा था जी,
एडिशन सेल में, तो आपको पीबी का हो रहा था यूज। यहाँ पे क्या हो गया, बोल रहा है कि हम कैडमियम का यूज करेंगे जी, किसका यूज करेंगे, कैडमियम का यूज करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, मेरा निकल कैडमियम सेल है जी। निकल कैडमियम सेल देखा जाए तो जो पहले डिजिटल वॉच आते थे उसमें आपको छोटा सा जो स्टील का बना होता था वहीं होता था जी। तो देखिए इसमें है क्या, बोला है निकल प्लेट लगा है जी इसमें, ठीक है। ये बाहर वाला क्या है जी, निकल का प्लेट है, उसके बाद एक वेंट होल होता है, यहाँ पे एक रड जैसी होती है, ऐसे सिलिंड्रिकल पेपर वाइज बना रहता है। इंसुलेटर ये जो है आपको इंसुलेटर है, यहाँ पे पेपर ऐसे बना है, देखिए इसको यहाँ पे क्या किया गया, इसी को हाफ से काटा गया है और उसको एक इमेज दिखाया गया है, ठीक है। तो निकल हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या होता है जी, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट निकल हाइड्रोक्साइड होता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड होता है, हमने लिथियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसमें पढ़ा था एडिशन सेल में, लेकिन इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट निकल, देखिए अब नाम से ही पता चला निकल कैडमियम नाम है, तो निकल हाइड्रोक्साइड या कैडमियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट होगा। और पोरस सेपरेटर होता है इसमें, पोरस क्या होता है, छिद्र वाइज क्या होता है जी, पोरस सेपरेटर होता है, जिससे क्या होता है सेपरेट तो करता है लेकिन उसमें छिद्र होता है जो क्या हो के एयर इधर से उधर जा सके। अब बात करते हैं बैटरी में, तो बैटरी क्या होता है जी, अब हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, अभी तक हम लोग थियोरेटिकल पोस्टर पढ़ा जो हमें याद करना था, अब हम लोग पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। तो बैटरी क्या है जी, तो ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं जी, बैटरी पढ़े। अभी तक हम लोग ने जो सेल का यहाँ पर थी किया था कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, तो क्यों पढ़ा था, अब उसका यूज है, उसका अप्लीकेशन पार्ट ही है। तो आजकल के एग्जाम में क्या है जी, जो थ्योरी है वो नहीं आ रहा है, अप्लीकेशन पार्ट से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो इसलिए देख सकते हैं कि बैटरी में है तो सेल ऑफ क्या है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है, बैटरी होता है। तो सेल बहुत सारे सेल मिलाएंगे छोटे छोटे, तो उसको क्या हो जाएगा, बैटरी बोलेंगे। इसीलिए बैटरी का क्या होता है जी, पावर हाई होता है, देखा जाएगा तो कहीं भी बैटरी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसका वोल्टेज क्या होता है, हाई होता है। तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। तो सेल की बात कीजिए, कॉम्बिनेशन कौन कौन सा होता है, तो सेल का ग्रुपिंग किया जाता है, कौन कौन सा ग्रुपिंग किया जा सकता है जी, तो सीरीज ग्रुपिंग किया जा सकता है, पैरेलल ग्रुपिंग किया जा सकता है। अगर आप देखना चाहे तो हमने एक इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस वाले जो लेक्चर बनाए हैं रेजिस्टेंस के कैपेसिटर का, तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का उसमें न्यूमेरिकल भी किए थे, थ्योरी भी पढ़े थे, तो आप उसको भी जाकर पहले देख लीजिएगा इस लेक्चर को देखने से पहले, क्योंकि उसमें हमने रेजिस्टर को कैसे सीरीज में कंबाइन किया जाता है, कैपेसिटर कैसे किया जाता है, उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किया था, थ्योरी के जस्ट बाद भी कुछ न्यूमेरिकल किए थे, उसके बाद चैप्टर के एंड में भी हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सीरीज में है कि अगर मान लीजिए क्या है जी, जो हमारा बहुत सारा सेल है उसको हमने क्या किया जी, सीरीज में ला दिया। जैसे यहाँ पे बोल रहा है बैटरी क्या है, सेल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है जी, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है, ऐसे बहुत सारे सेल हैं, तो ये क्या है सीरीज में है। ये मेरा क्या है ई वन है, ये मेरा क्या है ई टू है, ये मेरा ई थ्री है, ई फोर है, तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा जी, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री ऐसा हो जाएगा, ठीक है। वैसा ही है कि अगर ऐसे हो जाए कॉम्बिनेशन सेल का, ऐसे हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, क्या हो जाएगा, समानांतर समूह हो गया। तो हम ये सब सीखने वाले हैं कि इसके इक्विवेलेंट, अब इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे हमने अभी रेजिस्टर नहीं लिया है जी, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, रेजिस्टेंस तो हर किसी में होता है, हर एक सेल में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोल रहा है कि सीरीज ग्रुप में, सीरीज में जब कॉम्बिनेशन किए हैं तो क्या किया है अधिक। अब देखिए इसी में क्या हुआ है कि बोल दिया है कि हमको जो ये मेरा E है, E मेरा क्या हो गया जी, E1 प्लस E2 प्लस E3। अब मान लीजिए इसी ग्रुप में हमने ये जो E1 प्लस E2 प्लस E3 है सबके सब बराबर हो जाए, सबके सब क्या हो जाए जी, बराबर हो जाए, सबका E E1 भी क्या है मेरा, E1 भी मान लीजिए E वोल्ट है, E2 भी क्या है, E1 E2 E3 सब क्या है जी, बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबको सबको बराबर हम ई लिखेंगे तो जितना कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री ई हो जाएगा ना, क्योंकि एक दो तीन है तो थ्री। तो ऐसे ही एन अगर बैटरी लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है जी, क्या है एन ई। बोल रहा है अधिक विद्युतवाहक बल प्राप्त करने के लिए श्रेणी में क्रम जोड़ा जाता है, यदि सभी सेलों को विद्युतवाहक बल ई, कुल विद्युतवाहक बल ई टी है, टोटल क्या है जी ईटी है, तो ईटी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ ई, यानी जितना सेल रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पाँच रहेगा तो पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे, छः रहेगा तो छः से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या किए हैं ऐड किए हैं जी। तो क्या है सीरीज है। अब बात कीजिए कि इसी सेल में क्या हो जाएगा जी, अगर मान लीजिए ऐसे है, अब इसका तो कुछ ना कुछ रजिस्टर होगा, इसका इंटरनल रजिस्टेंस होगा ना हर बैटरी का होगा। तो अब मान लीजिए हम उससे पहले तो नेगलेक्ट किए थे, ये आर वन है, आर टू है, ये आर थ्री है,
ये क्या है, ई वन है, ई टू है, ई थ्री है, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इस सभी को बैटरी को हटाकर हमको एक क्या करना है जी, इस बैटरी को हटा के हमको एक बैटरी को इक्विवेलेंट इसको लगाना है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसका क्या होगा, इसका तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वोल्टेज होगा, उसको ई भी लिख दिए या ई टी लिख लीजिए। उसके अलावा ये तीनों रजिस्टर के इक्विवेलेंट एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर को क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट बोलेंगे जी, आर ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट आएगा कितना, तो देखिए ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा जी, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो जाएगा। हमने इस सीरीज में पढ़ रखा है, यहाँ से इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप जाइए कैपेसिटर और रेजिस्टेंस वाले जो सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन हमने ऐड किया था वो चैप्टर आप देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो हमने आर निकाल दिया, अगर ई की बात की जाए तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा जी, तो ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री है, ठीक है, हमने यहाँ से निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे है कि आई निकालना जी, तो प्रत्येक सेल में आंतरिक प्रतिरोध अगर आर है और लोड प्रतिरोध आर हो तो परिपथ में विद्युत वाहक परिपथ में प्रवाहित होने वाला है, ठीक है। इसने एक केस लिया है, एक केस कौन सा लिया है जी, कि इस सब को क्या किया है, एक ऐसा सर्किट बना है और यहाँ पे क्या है, एक लोड रेजिस्टेंस है, क्या है जी, आर एल है, क्या है जी, देखिए एक ई वन है, इसका रेजिस्टेंस आर वन है, ई टू है, इसका रेजिस्टेंस आर टू है, ई थ्री है, इसका रेजिस्टेंस आर थ्री, एक क्या है, इसके साथ लोड जोड़ दिया है जी, आर एल जोड़ दिया गया। इसको बना दूं मैं यहाँ से फ्रेश, ई वन है, ये आर वन है, ये ई टू है, ये आर टू है, ये ई थ्री है, ये बैटरी ही है, थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग सही नहीं है इसमें, इसको क्या किया गया, एक लोड रेजिस्टेंस जो आर एल है इसके साथ जोड़ दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि इसमें कितना करंट पास हो रहा है उसको बताना है। तो ये करंट डायरेक्ट क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन हम लोग इसको याद नहीं करेंगे जी, हम लोग इसको याद नहीं करेंगे, हम लोग देखो कैसे बनाएंगे। हम लोग केवीएल केसीएल पढ़े हैं, केवीएल केसीएल वाला लेक्चर भी आपको मैंने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रिसिटी वाले प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए हमको केवीएल केसीएल आता है तो क्या करेंगे, हमको पता है कि ई इक्विवेलेंट क्या है जी, ई इक्विवेलेंट मेरा क्या है, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, सबको इसने क्या लिया है, बराबर लिया है। इसने क्या है जी, माना है कि सब क्या है, सबका आंतरिक प्रतिरोध आर है और लोड रेजिस्टेंस आर है, प्रत्येक का क्या है जी, आंतरिक सेल क्या है, बराबर है। तो चलिए मान लेते हैं हम भी क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा जी, हम इसको मान लेते हैं कि बहुत सारा सेल है, तो क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, तीन है लेकिन हम तीन नहीं लेंगे, क्या लेंगे, एन मान लेते हैं, ऐसे एन है जी, तो जब एन सेल है तो क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट आ गया। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डैश डैश, कहाँ तक जाएगा, आर एन आर तक जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, अब जितना रेजिस्टेंस रहेगा, मान लीजिए एन है, एन बैटरी है, तो क्या हो जाएगा, एन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हमको अगर आई निकालना है, आई निकालना है सर्किट में, तो क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है था जी, तो हमने ई इक्विवेलेंट निकाल रखा है, एन ई क्या निकाला है, एन ई क्या निकाला है, एन ई, एन ई वोल्टेज आई के लिए क्या होता है, वी बाई आर, ये हमारा वी आ गया, अपॉन आर चाहिए, आर देखिए अगर आर सर्किट में देखा जाए तो कौन कौन सा, ए आर वन आर टू आर थ्री, ए आर एल भी तो है, और आर एल किसा है जी, सर्किट में सीरीज में है, कैसा है जी, सर्किट में सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, एन आर प्लस आर एल, क्या है जी, आर एल, ठीक है। तो मेरा पास क्या हो गया, एन ई अपॉन एन आर आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसी बात को इसने लिख रखा है, एन ई एन आर अपॉन आर, आर क्या है जी, लोड रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर है। हमने आंतरिक प्रतिरोध क्या माना था जी, आर माना था, तो आंतरिक प्रतिरोध है, ए लोड रेजिस्टेंस है, ये क्या है, इक्विवेलेंट है, तो आ गया ना। तो हमने ऐसे ही डेराइव किया है। अब कुछ लड़के इसको याद कर रखते हैं डायरेक्ट, और उसको क्वेश्चन आता है तो आप सीरीज में जो होता है इसको आप करंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, आप जैसा भी फील करें वैसा आप बना सकते हैं जी। हम तो सजेस्ट करेंगे केसीएल की बेल लगाइए, आराम से बनाइए, केसीएल की बेल समझ लीजिएगा, उसमें हमने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करा रखे हैं न्यूमेरिकल का, उसको जाइए और बनाइए। आगे बढ़ते हैं पैरेलल सीरीज में, पैरेलल सीरीज नहीं बोलते हैं जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं या ग्रुप बोलते हैं, इसने कुछ गलत लिख रखा है, कॉम्बिनेशन बोलते हैं या ग्रुप बोलते हैं। चलिए तो पैरेलल में क्या हो जाएगा जी, अब मान लीजिए इसी सर्किट में अगर मान लीजिए सबको हमने बैटरी रखा है, रेजिस्टेंस रखा है जी, बैटरी रखा है, रेजिस्टेंस रखा है,
तो मान लीजिए अगर हमने इसको रखा है तो सबको हमने ई रखा है, सबका वैल्यू क्या है, ई है, आर भी क्या है, बराबर है। अब डायरेक्ट हम केस वहीं ले ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा जी, वी इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल में, क्या होता है पैरेलल में, ई इक्विवेलेंट क्या होता है जी। तो यहाँ से देखिए ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, तो ई ही रह जाएगा, ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ई के बराबर ही रह जाएगा जी। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसने ई टोटल बराबर क्या रखा है, ई रखा है। ठीक है, आर की बात की जाए, अब देखिए इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस आर एल ऐड कर दिया गया, लोड रेजिस्टेंस आर एल ऐड कर दिया गया, तो आर इक्विवेलेंट क्या है जी, यहाँ पे ई पैरलर, ई पैरलर, ई पैरलर है, और ये क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा उसके साथ, तो ये सब पैरलर में है और उसके साथ क्या है जी, ये सीरीज में हो जाएगा। इसको हम एक सोर्स की तरह लेंगे तो उसके साथ में क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमको इसको तो पैरलर में लाना होगा, उसके साथ सीरीज में लाना होगा, तो आर इक्विवेलेंट वन अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाना है, एन रेजिस्टेंस लेना है, तो क्या हो जाएगा एन बाई आर हो जाएगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा आर बाई एन, ये मेरा क्या आया, आर इक्विवेलेंट आया जी। तो आर टोटल क्या हो जाएगा, आर अब टोटल क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट जो बैटरी में है और लोड रेजिस्टेंस जो आर एल है, क्योंकि करंट तो सबसे जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर बाई एन प्लस आर एल, ये हमारा आर टोटल आ गया। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी भी मेरा क्या है, ई है, टोटल ई है, बाई आर टोटल क्या है, आर बाई एन प्लस आर एल, ये आ गया, यहीं आई आपको लिखा हुआ है, यहीं आई लिखा हुआ है। अब देखने ये फॉर्मूला याद करने से क्या हो रहा है कि कैलकुलेशन भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहें वैसे याद कर सकते हैं, आप चाहे तो याद कर लें, चाहे तो आप किसी के भी लगा लें, मेरी तरफ से दोनों मैंने पढ़ा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं जी। प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, इलेक्ट्रिकल का भी बना रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बना रखा है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी बना रखा है, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा कम हो, अब देखिए यहाँ पे है मैक्सिमम पावर कब मिलेगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या होगा, बराबर होगा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है जी, जो बैटरी का रेजिस्टेंस है, जो आर, यहाँ हम लोग इंटरनल जो भी निकाल रहे हैं बैटरी में से, तो जो आर इक्विवेलेंट है वो क्या हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी लोड रेजिस्टेंस के जब बराबर होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम पावर मिलेगा, क्या मिलेगा, मैक्सिमम पावर मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो मैक्सिमम पावर ड्रॉ करने के लिए, मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए बैटरी से हमको क्या होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस और क्या है जी, जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, बात की जाए क्षमता की, तो बैटरी की क्षमता क्या होती है, डिस्चार्जिंग एम्पियर, डिस्चार्जिंग पावर निकालिए और चार्जिंग पावर निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो जाएगा, इफिशियंसी निकल जाएगा परसेंटेज में। अगर क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग पावर और चार्जिंग पावर का रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में पावर आएगा। ठीक है ना जी, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और बात की जाए तो अब कभी कभी क्या होता है कि कभी सीरीज और पैरेलल दोनों क्या होता है, कंबाइन कर देता है, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं जी, मिक्स ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स ग्रुप बोलते हैं। तो हमने वो दोनों भी पढ़ रखा है, उसमें रेजिस्टेंस निकालना, वोल्टेज निकालना, कैपेसिटर निकालना, हमने इंडक्टर नहीं पढ़ाया क्योंकि हमारे पास सिलेबस में इंडक्टर नहीं है जी। ठीक है, तो लेकिन इंडक्टर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जानना था, वो वहाँ पे मैंने डिस्कस कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो हमारे पास इफिशियंसी का फॉर्मूला आ गया, बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिएक्शन वगैरह जो भी है मुझे भी नहीं लगता है कि आ जाएगा। तो बैटरी चार्जिंग वगैरह में क्या होता है जी, बैटरी चार्जिंग करने के लिए क्या होता है जी, डीसी सोर्स से जोड़ा जाता है, उसमें क्या होता है, डीसी सोर्स से जोड़ने पर क्या होता है, बैटरी का धन संयोजक सूत्र से, धन सिरे से और ऋण संयोजक ऋण से जोड़ा जाता है, क्योंकि चार्जिंग करते समय क्या होता है जी, पोलरिटी होता है डीसी में, तो ये हमको ध्यान रखना पड़ता है, एसी में तो नहीं होता है लेकिन डीसी में होता है, इस सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके बाद ये चैप्टर आपको ख़त्म होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, और आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी रिएक्शन है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है जी, जब रिएक्शन होता है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलने से क्या था, सेल में क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था कि क्या हो रहा था, हाइड्रोजन जाके जो टर्मिनल होता है बैटरी का टर्मिनल, उस पर क्या हो रहा था, जम जा रहा था, तो उसको जमने
जमने की वजह से क्या हो रहा था, छोटे छोटे बैटी बन जा रहे थे और जिससे क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये सब रिएक्शन है जो आप देख सकते हैं, जनरली रिएक्शन होकर क्या बन रहा है हमारा, वाटर में के फॉर्म में क्या हो रहा है, जो निकल रहा है। तो हम चाहेंगे कि वाटर के फॉर्म में निकल के क्या हो जाए, बाहर चले जाए, हाइड्रोजन के फॉर्म में निकल के क्या हो जाए, बाहर चले जाए। तो बहुत सारे सेल यहाँ पर दिखा रखे हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स भी हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।